हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोने वीडियो में। अगर आपने ओप्पो का कोई नया स्मार्टफोन परचेस किया है और आपके पास पुराना फ़ोन भी ओप्पो का ही था और आप उसमें से डेटा शेयर करना चाहते हो, यानी फ़ोन को क्लोन करना चाहते हो, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, कॉन्टेक्ट हो, एप्लीकेशन हो, डॉक्यूमेंट्स हो, आप एज इट इज ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास पुराना फ़ोन भी ओप्पो का और नया फ़ोन भी ओप्पो का है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप उसको फॉलो कीजिए और आपका पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ उठकर नए फ़ोन में आ जाएगा। यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, फ़ोन क्लोन होगा, तो आपकी सेटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आपके नए फ़ोन में आ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों ही फ़ोन में जो आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है वो ओप्पो की खुद की है, प्री इंस्टॉल आती है आपके ऑलरेडी फ़ोन में रहती है, उसका नाम है ओप्पो क्लोन फ़ोन। ये आपको ड्रॉअर मोड जब आप ओपन करोगे तो दिख जाएगी CLONE फ़ोन, और इसको ओपन करने के बाद इसमें जो सेटिंग्स होती है वो आप इनेबल कर देना, जो भी ये परमिशंस मांगता है उसको इनेबल कर दिया अपन ने। और अगर ये आप एप्लीकेशन आपको ऐसे नहीं मिल रही है सर्च करने पर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ऊपर स्लाइड करने के बाद सर्च फॉर लोकल एप्स, इसमें आप CLONE डालेंगे तो यहाँ पे क्लोन फोन आ जाएगा। इसको ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस रहेगा, दोनों ही फ़ोन में आपको ओपन कर लेना है। तो जब आप ओपन करेंगे तो दोनों इस तरह से दिखेंगे। सपोज़ लेफ़्ट वाला न्यू फ़ोन है तो इसमें न्यू पे क्लिक करना है, और राइट वाला ओल्ड है तो ओल्ड पे क्लिक करना है। और ओप्पो टू ओप्पो में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ओप्पो सिलेक्ट किया इस साइड, यहाँ पर आपको एक QR कोड जनरेट होगा, इसको पुराने वाले फ़ोन से स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे फ़ोन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वाईफाई के थ्रू। अब यहाँ पर ये डाटा माइग्रेट करेगा और बता देगा आपको क्या क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट, वीडियो, फ़ोटो, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल आप कर देना, सारा डाटा एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट ट्रांसफरिंग, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारा जो डेटा है वो स्टार्ट हो जाएगा क्लोन होना, और 5 से 10 मिनट, अब डिपेंड करता है आपका डाटा कितना है, ज़्यादा डाटा होगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आपका डेटा शेयर हो गया हो तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।